आज मैं व्लॉग नहीं बना रहा, आज मैं अपने कॉलेज का प्रमोशन कर रहा हूँ। सारे BBA के कोर्सेज रन करता है हमारा कॉलेज। हेलो गाइस, क्योंकि CUT हुए तो नए बच्चे आने वाले हैं हमारे कॉलेज में। मेरे पुराने वाले व्लॉग पे व्यूज़ भी बढ़ रहे हैं तो मैं एक नया व्लॉग बना रहा हूँ अपने कॉलेज के ऊपर। हमारे कॉलेज के सामने से ही रोड आती है, पर इस कॉलेज में आना अगर किसी को DSU पूसा 2 में आना होगा, क्योंकि एक सामने भी है वहाँ जाके DSU पूसा 1। बहुत सारे बच्चे वहाँ चले जाते हैं, पर वहाँ मत जाना। हमारा कॉलेज ये है DSU पूसा कैंपस 2, पहले ही पड़े BTC पूसा। ये देखो DSU पूसा कैंपस 2 का बोर्ड लगा है, 2 तो नहीं लिखा बस ये बोर्ड लगा है, तो समझ जाना ये कैंपस 2 है जिन्होंने यहाँ आना हो। क्योंकि हमारे कॉलेज में कैंटीन नहीं है तो यहाँ छोले कुलचे वाला है बाहर, या तो अपना लंच घर से ही लाना, यहाँ से कुछ मत खाना। और जिसे BBA में इंटरेस्ट है वो इस कॉलेज में आ सकता है, बस MBA नहीं है इस कॉलेज में, BBA तक ही है ये कॉलेज। जो नए बच्चे आना चाहते हैं मुझे मैसेज करके पूछ लेना इस कॉलेज के बारे में, मैं बता दूंगा कि ये कॉलेज कैसा है। ये कॉलेज बड़ा छोटा है, बस एक ही फ्लोर है। अभी अंदर से दिखाता हूँ कि ये कॉलेज कैसा है, फिर आपको पता चलेगा कितना बड़ा कॉलेज है। कॉलेज नहीं है, स्कूल से भी ये कुछ ज़्यादा ही छोटा है। हमारा कोर्स रिटेल है तो हमारी 3 दिन क्लासेज होती है। अब कॉलेज में एंट्री हो चुकी है। इस कॉलेज में ना ITI वाले भी है, ब्लू शर्ट वाले दिख रहे होंगे ना, इनका दूसरी फ्लोर से। ये हमारी फ्लोर नहीं है तो गेट आएंगे, इस गेट में तो घुसना मत क्योंकि ये किसी और बच्चों का कॉलेज, और सीधे सीधे चलना बस जब तक थर्ड गेट नहीं आता और लिखा हुआ DSU पूसा कैंपस 2। ये देखो गाइस, यहाँ एक और गेट है, इसमें भी मत घुसना गलती से क्योंकि फिर कहीं और ही पहुँचोगे। और यहाँ है पार्किंग, यहाँ गाड़ियाँ खड़ी करने नहीं देते ना, स्कूटी और बाइक, इसलिए बाहर खड़ी करनी पड़ती है गेट के उस साइड। और ये रहा हमारा कैंपस, इतना बड़ा जो आपको दिख रहा होगा ना ये नियम, मतलब एक ही फ्लोर है, सबसे टॉप फ्लोर वहाँ दिखाता हूँ। और एक ग्राउंड तो है ही नहीं हमारे कॉलेज में खेलने के लिए, छोटी सी जगह है वहाँ भी नहीं खेल सकते हम। यहाँ से हमारे कॉलेज की स्टार्टिंग होती है, स्टार्टिंग नहीं मतलब ऊपर फ्लोर है। ये देखो यहाँ DSU लिख रखा है। फ्री टाइम में आप बस यहाँ बैठ सकते हो। एक ये DSU पूसा लिख रखा है पर ये झाड़ियों की वजह से छुप चुका है। मेन कैंपस अगर द्वारका वाले पे गए होगे तो वो साफ साफ दिखता है DSU लिखा हुआ। और ये हमारी क्लास के बच्चे देखो घूम रहे हैं, पढ़ने के अलावा इन्हें कुछ पढ़ने के अलावा बाकी सब करते हैं। यहाँ से हमारे कैंपस की स्टार्टिंग होती है। ये साइड में लिफ्ट है, लिफ्ट कभी नहीं चलती, लिफ्ट बंद है हमारे लिए, किसी के लिए नहीं चलती है, लिफ्ट ही ख़राब है। ये देखो जैसा मैंने कहा था ये ITI वालों का है, तो यहाँ मत घुस जाना गलती से। मैं यहाँ घुसने वाला था पर कॉलेज हमारा थर्ड फ्लोर पे है तो इस सेकंड फ्लोर पे भी मत चले जाना गलती से। ये देखो टॉप फ्लोर पे हमारा कॉलेज आ चुका है। यहाँ से हमारे कॉलेज की स्टार्टिंग होती है, बस ये स्टेट कॉलेज है थर्ड फ्लोर पे। ये देखो यहाँ है हमारा वॉशरूम, यहाँ पानी पीने की जगह, और बाकी स्ट्रेट ही है। यहाँ से हमारा कॉलेज ख़त्म होता है, वहाँ से स्टार्ट हुआ था और यहाँ पे ख़त्म। लास्ट क्लास हमारी है इस कॉलेज की, लास्ट क्लास हमारे कॉलेज की है। फिर उसके आगे है डायरेक्टर सर का रूम, यहाँ से हम खिड़की के नज़ारे लेते हैं। आप सबको लग रहा होगा ये कॉलेज बहुत बड़ा है पर ऐसा नहीं है, हमारी यही फ्लोर है जो मैंने दिखाई अभी, बस यहाँ तक। और ये है साइड में लाइब्रेरी, ये है हमारी क्लास। जो नए बच्चे आएंगे उन्हें शायद हमारी क्लास मिल सकती है, लाइब्रेरी देख लो। इस कॉलेज की सबसे बड़ी क्लास हमारी है, बाकी सब छोटी क्लासेस है। ये हमारे ग्रुप वाले बैठे हैं, जो नए बच्चे आएंगे उन्हें लगेगा हमारा भी फर्स्ट डे ऐसे ही ग्रुप बनेगा, पर ग्रुप छोटे हो जाते हैं, सब अलग हो जाएंगे बाद में। तो किसी पे ट्रस्ट मत करना कॉलेज में, सारे धोखेबाज लोग होते हैं। एक तो कॉलेज तो आप सबने देख ही लिया होगा, पर हमारी क्लास में एक CR भी होता है, जैसा स्कूल में एक मॉनिटर होता था ना जो क्लास का ध्यान रखता था, और पर कॉलेज में एक होता है CR जो पूरी क्लास को चलाता है। ये भी बना था CR, पूरी क्लास वाले उसे वोट देते हैं CR बनने के लिए।
कि वो सीआर बने और अपनी क्लास को संभाले, तो हमारी दो रोने से वोट दी थी, पर अभी सीआर से हट चुका है। हम सीआर तो नहीं है, पर क्लास में हमारी चलती है, हमारी नहीं मतलब मेरी, ये तो कुछ बोलता नहीं शर्माता ही, फिर भी मेरी चलती है क्लास में, भले ही मैं सीआर नहीं हूँ, फिर भी लोग मेरे से डरते हैं, कोई आता नहीं आसपास, देख लो। DSU की क्लासेस तो काफ़ी अच्छी है DU से, यहाँ AC भी लगे हैं, DU के कॉलेजेस में तो AC भी नहीं होते, और यहाँ प्रोजेक्टर भी लगा है, देख लो। तो पढ़ने में तो काफ़ी मज़ा आता है वैसे, लाइट्स वगैरह सब है, पंखे भी सही चलते हैं हमारी क्लास में, और किसी को आना हो तो आ जाना। DSU की फ़ीस तो काफ़ी ज़्यादा है, पर DSU वाले हमें एक बैग भी प्रोवाइड करवाते हैं, पता नहीं बस पूरी क्लास को प्रोवाइड करवाते हैं, इसमें एक बोतल होती है DSU की जो मेरे पास अभी है नहीं, पेन और एक नोटबुक होती है, और बाकी आप देख ही सकते हो